चलिए बच्चों, मिसलिनियस एक्सरसाइज है चैप्टर 3rd की। उसके बाद के 3 क्वेश्चन बचे हुए थे, उनको डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल एकदम अलग वैरायटी के हैं, और इन 3 फॉर्मूले के ऊपर आप ये 3 फॉर्मूले पे नज़र डालिए। तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 8 लिख लेता हूँ। देख लिए होंगे आपने तीनों फॉर्मूले। देखिए होता क्या है एक्चुअली कि साइन एक्स बाई टू का है 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 2, कोस एक्स बाई टू का ये है 10 एक्स बाई टू। जब साइन और कोस आपको पता चल जाएंगे, टेन आप लिख लेंगे साइन अपॉन कोस करके, जैसे ही साइन अपॉन कोस करेंगे ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो मेनली आपने देखा साइन एक्स बाई टू और कोस एक्स बाई टू दोनों फॉर्मूले कोस की टर्म्स में है। तो अगर आपको कोस एक्स पता हो, अगर आप कोस एक्स को पता कर लें, कोस एक्स की वैल्यू आपको पता हो, तो आप साइन एक्स बाई टू और कोस एक्स बाई टू दोनों वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 दे रखे हैं, कुछ इस वैरायटी के हैं क्वेश्चन की। कुछ लिखा है 10x = -4/3, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, कि एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ऐसे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, यहाँ 10x दे दिया लेकिन हमें जरूरत है कोस एक्स की। तो सबसे पहले आप क्या करें, आप एक्सरसाइज 3.2 पर ध्यान दें एक बार। 3.2 के स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन ऐसे ही तो थे, 10x दे दिया आपसे, साइन कोस वगैरह सारे पूछ लिए, क्वाड्रेंट भी मेंशन था। तो उसी के अकॉर्डिंग आप कोस एक्स फाइंड करेंगे। जब 10 4/3 है तो कोस 3/5 आ जाएगा, इतना तो आप जानते ही है। जब 10 पता हो, 10 4/3 तो कोस होगा 3/5, वही ट्रायंगल बना के पाइथागोरस थ्योरम वगैरह का यूज करके। लेकिन एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड में कोस नेगेटिव होता है, तो आंसर आएगा कोस एक्स इक्वल टू -3/5, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन एक्स बाई टू। और एक्चुअली अगर मैं आपको सही बताऊं तो यहाँ पर प्लस या माइनस के निशान रहते हैं, कि ये वैल्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस भी। अब पता कैसे चलेगा कि प्लस वाली होंगी या माइनस वाली, उसके लिए आपको देखना होगा कि ये एक्स बाई टू किस क्वाड्रेंट में है। तो पहले हम एक बार एक्स बाई टू को देख लें, एक्स बाई टू है किस क्वाड्रेंट में। हमें एक्स के बारे में पता है कि एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड का मतलब होगा कि एक्स की वैल्यू 90 और 180 के बीच की होगी। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 और 180 के बीच का होता है। हमें एक्स बाई टू का देखना है कि वो किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो एक्स बाई टू होगा 45 से 90 तक। अब जो एंगल 45 और 90 के बीच का होगा, वो वाला एंगल तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का रहेगा, यानी यहां से हमें पता चल जाता है कि एक्स बाई टू इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जब एक्स बाई टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो साइन एक्स बाई टू की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, प्लस का ही लेंगे हम, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 2। कोस एक्स की वैल्यू रखोगे यहां पर -3/5, तो ये 1 प्लस 3/5 हो जाएगा। जैसे ही कोस एक्स की -3/5 रखेंगे और अपॉन टू, और फाइनल कैलकुलेशन करने से ये बचेगा 8 अपॉन यानी 4/5, तो 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, 2 अपॉन अंडर रूट 5 आ जाएगा सारी कैलकुलेशन करने के बाद। फिर आप कोस एक्स बाई टू फाइंड करेंगे। कोस एक्स बाई टू होगा √1 प्लस कोस एक्स अपॉन 2। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स बाई टू, तो कोस एक्स बाई टू भी पॉजिटिव रहेगा। कोस एक्स बाई टू को भी पॉजिटिव रखो आप, फिर कोस एक्स की वैल्यू रख दो यहाँ पर, 1 माइनस 3/5 हो जाएगी कोस एक्स की अपॉन टू। जैसे ही इस कैलकुलेशन को करोगे यहाँ से मिलेगा 1 अपॉन √5। अब आपके पास साइन एक्स बाई टू और कोस एक्स बाई टू दोनों आ गए। 10x/2 क्या होगा, 10x/2 होता है साइन अपॉन कोस, इसके अपॉन में ये रखते ही आंसर 2 मिल जाएगा। तो तीनों फाइंड कर लिया आपने, साइन एक्स बाई टू, कोस एक्स बाई टू और 10x/2। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको फाइंड करने थे। तरीका क्या है, सबसे पहले भले ही आपको टेन कोट वगैरह कुछ भी दे रखो, आप कोस फाइंड करें, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग उसका साइन मेंशन कर ले, जैसे सेकंड में कोस नेगेटिव होते हैं। उसके बाद आप एक्स बाई टू का भी क्वाड्रेंट पता करें। एक्स वाला क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपको एक्स तो पता है, 2 से डिवाइड करके एक्स बाई टू का क्वाड्रेंट पता चल जाएगा कि एक्स बाई टू 45 और 90 के बीच का एंगल है, और जो एंगल 45 और 90 के बीच में होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ता है। तो एक्स बाई टू के क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करेंगे कि प्लस होंगे या माइनस होंगे। जैसे एक्स बाई टू सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ता, तो साइन एक्स बाई टू को पॉजिटिव लेते, कोस एक्स बाई टू को नेगेटिव लेते। तो इस तरीके के हैं ये 3 क्वेश्चन, 8, 9 और 10। अब कुछ डाउट है बच्चों के, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है मिसलिनियस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 1।
ये दे रखा है और इसे हमें जीरो के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट की और लेफ्ट हैंड साइड में सोचा कि हम क्या कर सकते हैं। एक तो ये लिखा हुआ है 2 cos π/13 cos 9π/13, और फिर यहाँ लिखा है cos 3π/13 cos 5π/13। तो इन दोनों में फॉर्मूला यूज किया जा सकता है cos x + cos y का। इस टर्म को अभी ऐसे रोक लेते हैं, 2 cos π/13 cos 9π/13 को हमने ऐसे ही रोक लिया। इन दोनों में cos x + cos y का फॉर्मूला यूज करेंगे और फॉर्मूला होता है 2 cos x + y/2। तो ये 4π/13 रह जाएगा, और cos x - y/2 करेंगे तो π/13 आ जाएगा। आएगा तो नेगेटिव, लेकिन कोस पर नेगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए आप उसे पॉजिटिव ही रखेंगे। cos -x = cos x ही रहता है, इसलिए उसे इग्नोर कर देते हैं हम। अब इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई देगा आपको, उसे कॉमन ले लो। कॉमन आएगा 2 cos π/13, ये कॉमन लिया। बाकी यहां से बचा cos 9π/13 cos 4π/13। अब ये cos x + cos y का फॉर्मूला यूज होगा, 2 cos π/13 cos x + cos y का फॉर्मूला फिर से यूज करेंगे, 2 cos x + y/2। जैसे ही आप करेंगे आपको π/2 मिलेगा ये, और जी cos इसमें से इसे घटाएंगे आप, 5π/26 हो जाएगा। ठीक है, इतना भी आपने कर लिया। अब आप इसमें इस टर्म को देखिए, ये जो मैं ब्रैकेट में मैंने कर दी बॉक्स में बंद, cos π/2 है। cos π/2 की वैल्यू होती है 0। जैसे आप इस वैल्यू को 0 रखेंगे, 0 रखने पर उस वैल्यू को आप 0 रखो, 2 cos π/13 (2)0 (cos 5π/13। अब जब एक टर्म 0 आ गई, एक टर्म 0 आ गई, तो सब कुछ 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो LHS = RHS। तो ये यहाँ जाके बस ये चीज ध्यान रखने की होती है कि ये वैल्यू आप पुट कर देंगे, और cos π/2 की वैल्यू पुट करते ही आंसर 0 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 था कुछ बच्चों का, 7 देखते हैं। अब इस 7th क्वेश्चन की अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें, इन क्वेश्चन को करने के लिए ना थोड़ा सा आपको एक्टिव माइंड रखना होता है। इसमें देखो cos sin x + sin y का भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आप sin x - sin y का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा सोचा करो, अगर आपने यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया sin x + sin y का, तो फॉर्मूले में आता है x + y/2, मतलब 3x + 2x/2, तो 5x/2 मिलेगा, और 5x/2 जैसा वहां पर कुछ दिख नहीं रहा है हमें, तो हम इन दोनों में यूज नहीं करेंगे फॉर्मूला। ठीक है, हम क्या करें, sin 3x और sin x इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, क्योंकि इन दोनों को सम करने पर मिलेगा 4x/2, मतलब 2x वाली टर्म। ये बीच वाली टर्म कॉमन मिल जाएगी फिर हमें, तो हम sin 3x - sin x को एक साथ यूज करते हैं, और +sin 2x को अलग छोड़ देते हैं। इतना काम हम कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 sin x - y/2 3x - x 2x/2, तो केवल x रह जाएगा। 3x - x 2x/2 करेंगे तो 2 sin x, और जी cos x + y/2 3x + x 4x/2 करोगे 2x आया, और +sin 2x वाली टर्म को हमने कुछ अलग छोड़ दिया। इतना काम कर लिया। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर 2 sin x cos 2x और यहाँ sin 2x है, अभी कुछ कॉमन तो बन नहीं रहा है, लेकिन sin 2x का फॉर्मूला तो हम ओपन कर सकते हैं। sin 2x का फॉर्मूला ओपन करो। ट्रिग्नोमेट्री में यही बात है कि अगर आपको फॉर्मूले पक्के याद है ना, तभी आप क्वेश्चन में आगे चल सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि sin 2x का फॉर्मूला लिखने पर 2 sin x कॉमन आने वाला है। ये बात किसे पता होगी, जिसके फॉर्मूला माइंड में प्रेजेंट होगा, उसे एडवांस पता होगा कि अगर ये फॉर्मूला लिख दे तो 2 sin x यहाँ मिल जाएगा, यहाँ भी 2 sin x है तो वो कॉमन आ जाएगा, इसलिए फॉर्मूले पक्के याद रखा करो। तो 2 sin x कॉमन लिया हमने, 2 sin x कॉमन लिया, यहां से बचेगा cos 2x + cos x। उसके बाद आप cos 2x + cos x का फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 sin x तो बाहर है ही, इसमें आएगा 2 cos x + y/2, मतलब 3x/2 हो जाएगा, और जी cos x - y/2, तो ये x/2 रह जाएगा। 2 2 जा हो गया ये 4 sin x cos 3x/2,
और जी कोस एक्स बाई टू, देखना दोनों सेम आ गई, एल एच एस और आर एच एस, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रूव हो जाता है, तो थोड़ा सी स्मार्ट अप्रोच की जरूरत होती है, बाकी कुछ खास नहीं होता इन क्वेश्चन में। तो ये मिसलिनियस एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट, अब इसके कुछ एक दो एग्जाम्पल देख लीजिए। चलिए ठीक है, तो इस वीडियो में आप इस एक्सरसाइज को खत्म करिए, ओके।